गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। ये क्लास 10 का क्लास है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। इससे पहले इसका उदाहरण हमने देख चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या निकालने कह रहा है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमने a1 by b2 और c1 by c2 इस तरह के कंडीशन पे निकालने के लिए सीख चुके हैं। उसी कंडीशन को यहाँ फॉलो करेंगे। फिर एक बात और कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में अगर अद्वितीय हल आ जाए तो उसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। तो क्या करना है, हमें ब्रजगुणन विधि से हल करना है। और अगर अद्वितीय हल नहीं आता है तो हम किसी भी प्रकार से हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हमारे पास ये समीकरण दिया है, x-3y-3=0। ये समीकरण 1 है। 3x-9y-2=0, ये समीकरण 2 है। निकालेंगे a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b1 बराबर -3, b2 बराबर -9, c1 बराबर -3 और c2 बराबर -2, ठीक है। देयरफॉर a1 by a2 = 1/3, b1 by b2 = -3/-9, ये माइनस में कट गया, ये कट गया, ये यानी 1/3। b1 by b2 कितना है, 1/3। और c1 by c2 = -3/-2 यानी 3/2। इससे क्या हुआ, हमारे पास a1 by a2 = b1 by b2 और ये बराबर नहीं है c1 by c2। ये कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये आप कंडीशन तो जानते ही हैं। ये कंडीशन जब आ जाता है तो हम लिखेंगे इस समीकरण का या फिर इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। जब कोई हल नहीं होगा तो हमें इसका ब्रजगुणन विधि का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला का दूसरा हल लिखेंगे। लिखा हुआ 2x+y = 5। तो बराबर की साइड इस बराबर में है, तो बराबर की साइड अगर माइनस में चल जाएगा, -5 = 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और 3x+2y - 8 = 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, a1 by a2 = 2, a2 = 3, ये सब सिखा चुके हैं हम लोग पहले। b1 = 1, b2 = 2, c1 = -5, c2 = -8। तो a1 by a2 = 2/3, b1 by b2 = 1/2 और c1 by c2 = -5/8, ये कट जाएगा तो 5/8। इसमें क्या दिख रहा है हमें,
इसमें दिख रहा है कि ए वन बाई ए टू बराबर नहीं है बी वन बाई बी टू का, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये अद्वितीय हल दे रहा है। तो लिखेंगे इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और आपको पता है कि जब अद्वितीय हल आ जाए तो क्या करना हमें, तो ब्रजगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो लिखेंगे ब्रजगुणन विधि के लिए, ब्रज गुणन विधि द्वारा हम लोग फिर चलेंगे समीकरण एक एवं दो में। समीकरण एक एवं दो से आगे बढ़ते हैं, ब्रजगुणन विधि में क्या निकालना है हमको, ए वन बी वन बी टू, ए वन बी वन सब निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और आंसर आसानी से मिल जाएगा हमें, ये सब आपको पता ही होगा। हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ए वन बराबर कितना था, ए वन बराबर निकाल चुके हैं पहले हम, ए वन बराबर कितना था, टू, ए टू बराबर थ्री, बी वन बराबर वन, बी टू बराबर टू, सी वन बराबर माइनस फाइव, सी टू बराबर माइनस एट। एक्स बराबर फार्मूला होता है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बटा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा और आपको याद ही होगा जहाँ तक हमें पता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर बैठा देंगे, बी वन है वन, सी टू है माइनस एट, बी टू है टू, सी वन है माइनस फाइव बटा ए वन है टू, बी टू है टू माइनस क्या है, ए टू, ए टू है थ्री और बी वन, ए टू बी वन, बी वन है वन। गुणा करेंगे अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस एट माइनस माइनस 10 बटा 4 माइनस 3, माइनस एट प्लस 10 बटा 1, 2 बटा 1 बराबर 2 आंसर। यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, तो 2 निकल गया एक्स का वैल्यू। वाई के लिए निकालते हैं, वाई बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बटा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, आपको फार्मूला याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं, सी वन ए टू क्या है, सी वन है माइनस फाइव, ए टू है थ्री, सी टू है माइनस एट और ए वन है टू बटा दो गुना दो, नीचे वाला सेम ही होता है, और तीन गुना एक, पाँच तिया 15 प्लस 8 2 16 बटा 4 माइनस 3 यानी 1/1 बराबर 1 आंसर। तो इस प्रकार क्या निकल गया,
फोर एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1 आंसर। तो आपने देखा ये ब्रजगुणन विधि से हम हल करके दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग, हल करेंगे। सवाल है 3x-5y-20=0। समीकरण 1 मान लेंगे, बराबर की साइड ले जाएंगे, और 6x-10y-40=0, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। a1=3, a2=6, b1=-5, b2=-10, c1=-20 और c2=-40। a2=3/6 यानी 1/2, b1/b2=-5/10, माइनस माइनस कट गया यानी 1/2, और c2=-20/-40, 20 × 40 यानी 1/2। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे हमें मिला a1/2 a1/2 = b1/b2 = c1/c2, यानी तीनों बराबर है। अतः इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल हमें नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और दिख रहा होगा पहला का आपको, हल करेंगे x-3y-7=0। समीकरण 1 मान लेंगे, 3x-3y-15=0, ये समीकरण 2 है। a1=1, a2=3, b1=-3, b2=-3, c1=-7 और c2=-15। ठीक है, a2=1/3, b1/b2=-3/-3, माइनस माइनस कट गया, 3 3 कट गया, 1/1 यानी 1/1 यानी 1, और c1/c2=-7/-15, माइनस माइनस कट गया तो 7/15। ठीक है, यहाँ क्या दिखा? a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी क्या दिख रहा है? यह द्वितीय हल है। देखेंगे, अतः इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो क्या करेंगे? ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि के लिए समीकरण 1 और 2 से चलेंगे फिर से हम लोग। समीकरण 1 एवं 2 से a1=1, a2=3, b1=-3, b2=-3, c1=-7
सी टू का माइनस 15, ठीक है। तो एक्स बराबर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये फार्मूला होता है। अगर इस पर बैठाएंगे तो माइनस 3 इंटू माइनस 15 सी टू का वैल्यू माइनस बी टू का माइनस 3 सी वन का माइनस 7 बटा 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3, और गुना करेंगे तो 15 रुपया 45 माइनस 27 बटा माइनस 3 प्लस 3, 3 3 9 हो जाएगा ना, माइनस 3 प्लस 9 4 और 2 24 बटा 6, 6 6 24, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, तो 4 निकल गया। वाई के लिए निकालते हैं, वाई बराबर फार्मूला सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बटा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। हम लोग देखें यहाँ तो सी वन ए टू यानी माइनस 7 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 बटा 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 21 प्लस 15 बटा 3 माइनस 3 प्लस 9, 15 5 20 6 बटा 6। अगर काट देंगे ऊपर माइनस बचेगा तो 1 यानी माइनस 1, ये भी आ गया हमारा आंसर। इस पर कर गया दिखा कि एक्स बराबर 4 और वाई बराबर माइनस 1 आंसर हो जाता है हमारा। तो हमने ब्रजगुणन विधि से पहला क्वेश्चन को हल करके दिखाया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चन पर विचार करेंगे। आप अच्छे तरीके से समझिए, फिर इसे आप लिखिए, शेयर कीजिए और फिर एक्सरसाइज के और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास कीजिए, और बन जाए तो हमें ज़रूर से ज़रूर अपने मेरे नंबर पर भेजिए। थैंक यू।